तो वैसे एक बार फिर जो है अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए और हम लोग जो है फिर से आ गए दर्शन करने नहा धो के। मैंने कहा चलते हैं भाई एक बार दर्शन करते हैं बालाजी सरकार के। जय श्री राम, जय श्री श्याम। बस चलते हैं भाई, फिर मैं आपको अंदर से अगर बता पाया तो ठीक, नहीं दर्शन करके मुझे जल्दी निकलना है। कहाँ के लिए? क्यों? साला सर के लिए। बस जल्दी से अपना फूले गुलाब का लेते हैं और चलते हैं। तो गाइस एक बार फिर गुलाब लेते हुए श्री श्याम जी के लिए, श्याम बाबा के लिए, हम दोनों दोस्त। तीसरा जो है गायब है क्योंकि वो भाई आराम कर रहा है, एसी के मजे ले रहा है, एसी रूम के। हम लोग तोड़ के नहा के और जो है आ गए। अभी 5:20 हुए, 40 हमारे पास 6 तक, और हमको साला सर्किल निकलना है। जल्दी दर्शन करके पहुँचते हैं। फिर झलक देखिए भाई, ऐसा कुछ भाई यहाँ का मंदिर है। अंदर से मैं बता नहीं पाया क्योंकि मुझे दर्शन करने थे इसलिए। ये भाई नीम का पेड़ जिसमें बोलते हैं ना कि इसमें धागा बांधने से अपनी मनोकामना जो है पूरी होती है। बालाजी सरकार के यहाँ की मिट्टी, बालाजी बाबा जी के यहाँ की मस्त, यहाँ रेती रेते भाई। यहाँ सुबह का नजारा है। हमारा एक बंदा भी सो ही रहा है भाई। और ये हमारी होटल, यहाँ से दिखेगी नहीं आपके राधे गेस्ट हाउस। ये हमारा रूम है एसी वाला। तो गाइस ये हमारा नया दोस्त जो कि सो रहा था, अभी उठ के आया है। राहुल बेटा अभी उठ के आया है भाई। अभी नहाया नहीं राहुल, नहा तो लेते राहुल। अपन बालाजी के दर्शन, ये सो ही रहा था भाई, ये उठ के नहीं आया। हम लोग दर्शन करके आ गए और बस चाय पी रहे हैं, बस सो ही रहा है। अभी भी नींद से उठ के आया है, वाइट कलर का हो गया आज। एक नंबर भाई, क्यूट है। तो गाइस आ चुके हैं हम श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। ये प्रवेश द्वार गेट नंबर 1 भाई है। बस यहाँ से एंटर करते हैं और हम जाते हैं आगे, फिर मैं आपको और बताता हूँ। बाकी ये वीडियो दूसरी है भाई अलग से, और जो है मैंने वो दूसरी सेपरेट अलग बनाई। तो गाइस हम जो है मंदिर में अंदर एंटर हो चुके हैं और ये हमारे दोनों दोस्त आगे आगे चलते हुए और मुझे पीछे छोड़ते हुए। बाकी हम लोग चल रहे हैं भाई अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से, दर्शनों के लिए एवं बाहर जाने का रास्ता यहीं से है भाई। भीड़ काफ़ी ज़्यादा आई, देखो चलते हैं। हम ये प्रसाद ले लिए हम और एक बिसलेरी की बोतल। तो गाइस बस बालाजी के जो है दर्शन करके निकल आए, क्योंकि वहाँ फ़ोटो शूट करना अलाउ नहीं था तो मैं कर नहीं पाया। उसके बाद ये दोस्त की एक दो फोटो लेता हूँ और इसके बाद फिर चलते हैं अपन सीधा कार में अपने। ये देखो गाइस मोर, दिस इज पीकॉक। हम जो है रिंगस से जो है निकल चुके हैं। ये देखिए
अब बस सीधा पहुंचते हैं जयपुर, और फिर जयपुर पिंक सिटी आपको घुमाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा भाई। तो भाई झमाझम वाली बारिश होती हुई यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल भाई जयपुर पहुंचने वाले हैं भाई। ये प्रयागराज एक्सप्रेस है, वंदे भारत, ये ट्रेन भी देख ली आज, मेड इन इंडिया। तो गाइस ये जो है हमारे दोस्त लोग ऊपर चढ़ते हुए, चलिए थे ऊपर चढ़ने, बस वंदे भारत का भाई ये सब नज़ारा। खोले एसी, वंदे भारत। तो गाइस हम लोगों ने जो है रूम ले लिया भाई, बड़ी मुश्किल से बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने 900 रुपये में हमको रूम दिया। ये देखिए इसकी की, इससे देखो ये बंद और ये चालू, बाकी एसी भी है भाई, मतलब फुल एयर कंडीशनल रूम है। यहाँ से खिड़की है भाई, यहाँ से आप सिगरेट हमने नहीं पिए। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा जयपुर का, और बस ये टीवी भी है भाई, और ये हमारे दोनों चूतिए दोस्त। हाँ हम लोग तो भाई जय श्री श्याम के दर्शन कर चुके हैं, बस जे पिंक सिटी घूमने को जा रहा है, थोड़ी देर से फ्रेश हो गए बस, और एसी का मस्त और ट्यूबलाइट का उपयोग करते हुए पंखे का दोस्त लोग, बस चलते हैं अपन पिंक सिटी घूमने के लिए, और मैं आपको बताऊंगा डिटेल राहुल भाई के साथ।